हेलो डियर स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर चैनल लैब वंस अगेन तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके ह्यूमन न्यूट्रिशन का जो डाइजेशन वाला टॉपिक है उसके आगे का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे डाइजेशन इन दी स्टमक के बारे में सबसे पहले हमने पढ़ा था डाइजेशन इन बकल कैविटी बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होता है आपका जो फूड है वो सलाइवा के साथ मिक्स करके फूड प्लस सलाइवा मिक्स करके क्या बनाया जाता है बोलस बनाया जाता है और इस बोलस को फेरिंग्स में पुश किया जाता है फिर फेरिंग्स की मदद से हमारा वो जो फूड है वो आपके ईसोफेगस में जाता है और फिर ईसोफेगस से पास होते 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 होते, होते हमारा ये फूड हमारे स्टमक तक आ पहुंचता है अपने सलाइवा में एक स्पेशल एंजाइम होती है अमाइलेज एंजाइम ये एंजाइम क्या करती है बच्चों ये एंजाइम स्टार्च को ब्रेक डाउन करती है ग्लूकोज में यह एंजाइम क्या करती है स्टार्च को ब्रेक डाउन करके डायल बनाती है देखो इधर पे हमने अपने प्रीवियस सेशन में पढ़ा थाउन स्टार्च इंटू माल्टोसोज माल से आगे आपको दो ग्लूकोज मिलेंगे बोथ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द स्टमक मैकेनिकल डाइजेशन मतलब क्या होता है मसल्स की मदद सेल्स की मदद से जो डाइजेशन होता है और केमिकल डाइजेशन मतलब क्या होता है एंजाइम्स की मदद से जो डाइजेशन

के ऊपर एक्टिविटी दिखाते हैं जिसकी मदद से फूड ब्रेकडाउन होकर सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है और ये सिंपल मॉलिक्यूल्स हमारे बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाते हैं ओके द फिजिकल डाइजेशन चर्निंग ऑफ फूड हमारे स्टमक में फूड का फिजिकल डाइजेशन कैसे होता है स्टमक के अंदर जो इंटरनल लेयर होती है देखो हमारे स्टमक में बहुत सारी लेयर होती है ये एक मिडल लेयर हो गई ओके सब न्यूकोजा लेयर फिर यहाँ पे आपकी जो मस्क्यूलैरिस लेयर होती है जो मस्क्युलर वॉल होती है ये मस्क्युलर वॉल क्या करती है ये अपने फूड मॉलिक्यूल को चर्न करती है मतलब जो भी फूड मॉलिक्यूल इधर आया है उसको गोल 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 घुमा के छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करना तो द फिजिकल डाइजेशन churning ऑफ फूड चर्निंग मतलब क्या होता है फूड को गोल 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 घुमा के उसको आड़ा टेढ़ा आड़ा टेढ़ा करके छोटे छोटे पार्ट में चॉप 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 कर देना टेक मस्क्यूलर वॉल ऑफ स्टमक helps चर्निंग प्रोसेस तो हमारे स्टमक का ये जो muscular वॉल है इस muscular वॉल के वजह से हमारा स्टमक जो है वो अपना चर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करता है क्या करता है चर्निंग प्रोसेस कंप्लीट करता है चर्निंग फर्दर ब्रेक्स डाउन द फूड पार्टिकल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स इन थरो मिक्सिंग ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या बोला गया है हमको इधर पे इस चर्निंग प्रोसेस के वजह से हमको क्या देखने को मिलता है चर्निंग फर्दर ब्रेक्स डाउन द फूड पार्टिकल ये जो अपना फूड पार्टिकल है ये फूड पार्टिकल पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था लेकिन चर्निंग के वजह से ये सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होके ये अपने गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है किसके साथ मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जिसके वजह से हम ये जो फूड मॉलिक्यूल है ये फूड मॉलिक्यूल के अंदर से कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट्स हम सब कुछ एब्जॉर्ब कर लेते हैं सो so देखो अब आगे क्या बताया गया है हमारे स्टमक का जो अंदर का लेयर होता है म्यूकोजा लेयर द म्यूकोजा स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक के म्यूकोजा लेयर में हमको गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलते हैं और एक गैस्ट्रिक ग्लैंड में तीन टाइप के सेल्स होते हैं ईच गैस्ट्रिक ग्लैंड हैज थ्री मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स तो वो तीन सेल्स कौन से कौन से टाइप के हैं सबसे पहले सेल्स हैं म्यूकस सेल्स दूसरे सेल्स हैं आपके दूसरे सेल्स कौन से हैं चीफ सेल्स और तीसरे है सेल्स, से सेल्स हैं पराइटल सेल्स, दूसरे सेल्स है पेप्टिक सेल्स या चीफ सेल्स तो चीफ सेल्स का दूसरा नाम क्या है पेप्टिक सेल्स और तीसरे सेल्स है आपके पराइटल सेल्स या आप इनको ऑक्सिंटिक सेल्स भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो ऑक्सिंटिक सेल्स भी बोल सकते हो हर एक सेल का फंक्शन क्या क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं एम सॉरी हर एक सेल का फंक्शन क्या क्या है हम वो डिस्कस कर लेते हैं म्यूकस सेल्स म्यूकस सेक्रीट करता है म्यूकस के वजह से क्या क्या होता है खाना अपना टुपुक करके आगे फिसल जाता है देखो म्यूकस मतलब क्या होता है चिपचिपी लेयर स्लाइमी लेयर जैसे आप वाटर पार्क में जाते हो तो आपके स्लाइड में यहाँ से वाटर कंटिन्यू फ्लो होते रहता है जिसके वजह से आप आराम से स्लाइड पे से नीचे फिसल पाते हो तो ठीक उसी तरीके से हमारा जो स्टमक होता है हमारे स्टमक का जो इंटरनल लाइनिंग होता है अंदर की तरफ म्यूकस सेक्रेटेड रहता है ताकि जो भी फूड मॉलिक्यूल

एसिड कहाँ बनता है आपके पराइटल सेल्स में देखो म्यूकस सेल्स में म्यूकस बनता है म्यूकस सेल्स में म्यूकस बनता है चीफ सेल्स में पेप्सिनोजन एंजाइम बनता है लेकिन ये एंजाइम को एक्टिव करने के लिए आपको एचसीएल एसिड चाहिए और वो एचसीएल एसिड किधर से बनता है आपके पराइटल सेल्स से सो पराइटल सेल्स सेक्रेट एच एंड इंट्रेंसिक फैक्टर विच इज असेंशियल फॉर एब्जॉर्बशन ऑफ विटामिन बी क्या बोला गया है हमको इधर पे कि हमारे ये जो पराइटल सेल्स होते हैं वो स्पेशल इंट्रेंसिक फैक्टर्स रिलीज करते हैं इन इंट्रेंसिक फैक्टर्स की से ही हमारा विटामिन बी ट्वेल्व एब्सॉर्ब हो पाता है मतलब जो भी फूड हम खाते हैं उस फूड में से विटामिन बी ट्वेल्व को प्रोड्यूस करके ऑप्टेन करके एब्जॉर्ब करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंट्रेंसिक फैक्टर्स की दस गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स म्यूकस सो देखो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट है इधर पे मैंने जो अभी बोला कि हमारा ये जो फूड है ये गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है तो गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है इसके पास पेप्सिनोजेन एंजाइम होता है और क्या होता है इसके पास पेप्सिनोजन एंजाइम के साथ साथ इसके पास एच सी एल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर्स होते हैं क्या होते हैं एच सी एल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर्स सो गैस्ट्रिक जूस म्यूकस इनएक्टिव एंजाइम पेप्सिनोजे एंड एच सी एल एंड इंट्रेंसिक फैक्टर ठीक है इन इन्फेंट्स जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें एक स्पेशल एंजाइम भी प्रोड्यूस होती है स्टमक ऑल्सो सेक्रीट रेनिन एंजाइम जो छोटे बच्चे होते हैं उनके स्टमक में एक स्पेशल एंजाइम प्रोड्यूस होती है दैट इज रेनिन एजाइम ये रेनिन एजाइम क्या करती है देखो जो छोटे बच्चे होते हैं इन्फेंट्स मतलब क्या होते हैं जो अभी अभी पैदा हुआ है ये इन्फेंट बच्चे सिर्फ अपने मदर का दूध पीते हैं और दूध में स्पेशल प्रोटीन होती है केसिन प्रोटीन दूध में एक स्पेशल प्रोटीन होती है जिसका नाम है केसिन प्रोटीन ये केसिन प्रोटीन डाइजेस्ट करने के लिए छोटे बच्चों को रेनिन एंजाइम की जरूरत पड़ती है किसकी जरूरत पड़ती है रेनिन एंजाइम की तो ये रेनिन एंजाइम ये रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों के स्टमक में प्रोड्यूस होता है जो मिल्क के केसिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके और ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में देखा जाता है अडल्ट में नहीं देखा जाता है म्यूकस इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक प्रेजेंट एच सी एल देखो ये जो म्यूकस प्रोड्यूस को इस एसिड से प्रोटेक्ट करोड बहुत ज्यादा एसिडिक होता है लो पी एच का होता है, मतलब होता है, का होता है. का अप्रोक्सिमेटली ये एसिड होता है सो so, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड अगर अपने स्टमक में रहेगा तो ऑब्वियसली बात है कि स्टमक के सेल्स डैमेज हो सकते हैं तो ये जो म्यूकस की लेयर है ये म्यूकस बस की लेयर ऐसे स्टमक के सेल्स को प्रोटेक्ट करके रखती है ताकि जो एचसीएल प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टमक के सेल्स को डैमेज ना पहुंचा सके आगे देखो आपको क्या बताया गया हमारे गैस्ट्रिक जूस में जो एचसीएल होता है ये क्या करता है ये हमारे फूड को एकदम एसिडिक बना देता है और सलाइवरी अमायलेज़ का एक्शन स्टॉप कर देता है क्योंकि सलाइवरी अमायलेज़ बेसिक पीएच में काम करता है या वो इतने ज़्यादा एसिडिक पीएच में काम नहीं कर सकता सो एच सी एल वजह से हमारा खाना एसिडिक हो जाता है और सलाइवरी अमाइलेज डैमेज हो जाती है सलाइवरी अमाइलेज किधर से आया था आपने जब खाना खाया तो आपके सलाइवा में अमाइलेज एंजाइम थी वो अमाइलेज एंजाइम आपके ईसोफेगस में गई और ईसोफेगस से आपके स्टमक तक गई स्टमक में जाते ही वो एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाती है क्योंकि स्टमक में एचसीएल होता है इट किल्स द जर्म्स दैट माइट बी प्रेजेंट इन द फूड तो हमारा एच सी एल क्या करता है ये अगर समझो जो भी खाना हमने खाया जैसे आप बाहर मस्त तो चटाके से पानीपुरी खाते हो वड़ा पाव खाते हो कोई भी जंक फूड खाते हो कोई भी सो so, समझो अगर गलती से उस फूड में कोई बैक्टीरिया रहा होगा कोई पैथोजन रहा होगा कोई जर्म्स रहे होंगे सो so, उस जर्म को किल करने के लिए हमारा ये एच सी एल इतना एसिडिक होता है सो एसिडिक एच सी एल क्या करता है वो जर्म्स को किल कर देता है जो हमारे फूड में अगर प्रेजेंट होंगे फिर उसके बाद पेप्सिनोजेन पेप्सिनोजेन एंजाइम इनएक्टिव होता है इसको एक्टिव करने के लिए एच की जरूरत होती है सो पेप्सिनोजेन गेट्स कन्वर्टेड एक्टिव एंजाइम पेप्सिन इन द एसिडिक मीडियम प्रोवाइडेड बाई एच तो देखो एच के दो फंक्शन है किल जर्म्स मतलब आपके खाने में जो भी जर्म्स होंगे उनको किल कर देना और दूसरा फंक्शन क्या है इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को एक्टिव पेप्सिन बना देना इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को इधर पे लिख देती हूँ इनएक्टिव पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देना ये दो फंक्शंस है अपने एच सी एल एसिड के फूड इन इनटू सिंपलर फॉर्म्स लाइक पेप्टोन्स एंड बोला गया है, हमको पे? ये जब प्रेजन रह, प्रेजन रहता है तो ये पेप्सिन एंजाइम क्या करता है ये हमारे प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके पेप्टोन और प्रोटीएज बना देता है क्या बना देता है पेप्टोटिस बनाता है ये पेप्टोन्स और प्रोटीओजिस थोड़े सिंपल एसिड्स होते हैं ये सिंपल प्रोटीन होते हैं जिनको हमारे सेल्स आसानी से एब्सॉर्ब कर सकते हैं ठीक है तो देखो इधर पे क्या बताया गया है आपका जो गैस्ट्रिक जूस से चीफ सेल्स से जो पेप्सिनोजेन बना था चीफ सेल्स से देखो ये वाले सेल्स से किधर गया ये वाले जो सेल्स है ये चीफ सेल्स है ये जो पेप्सिनोजेन बनाते हैं इस पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एच की देखो अप्रोक्सीमेटली पीएच कितना होता है मैंने वन बोला था तो वन के आसपास का पीएच होता है तो पेप्सिनोजें गेट्स एक्टिवेटेड इन टू पेप्सिन और फिर यही पेप्सिन क्या करेगी ये पेप्सिन एंजाइम अपने प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके उसको पेप्टोन्स और प्रोटीओज में कन्वर्ट कर देगी डाइजेशन so in है हम क्या पढ़ रहे हैं हम डाइजेशन इन स्टमक पढ़ रहे हैं अब इसके बाद हम स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पढ़ेंगे पहले इधर देख लो क्या बताया रेनिन फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स एक्ट ऑन केसिन मैंने आपको पहले ही बोला की जो छोटे बच्चों में रेनिन एंजाइम मिलता है छोटे बच्चों में जो रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है इन्फेंट्स तो 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 mm. के अंदर जो तो रेनिन एंजाइम प्रोड्यूस होता है ये रेनिन एंजाइम क्या करता है ये जो मिल्क प्रोटीन तो है कौन सी मिल्क प्रोटीन केसिन प्रोटीन उस केसिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है केसिन प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके क्या बनाता है छोटे छोटे सिंपल प्रोटीन बनाता है सो रेनिन एंजाइम इन गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट्स एक्ट ऑन केसिन प्रोटीन प्रेजेंट इन mm. मिल्क इट ब्रिंग्स अबाउट कर्डलिंग ऑफ मिल्क प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम तो देखो इधर पे क्या बोला गया है ये रेनिन एंजाइम कैल्शियम की मदद से ये रेनिन एंजाइम कैल्शियम की मदद से इस प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके इसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है मतलब अप, अपना जो मिल्क है इस मिल्क को थोड़ा सा गाढ़ा बना देता है तो देखो आपने देखा होगा छोटा बच्चा एकदम छोटा चार पाँच महीने का बच्चा जब दूध पीता है तो दूध पीने के बाद कभी कभी जब उसका पेट दब जाता है तो वो उल्टी करता है तो जब वो बच्चा उल्टी करता है तो उसका दूध एकदम ऐसे खट्टा खट्टा और ऐसे थोड़ा टाइट टाइट दही के जैसे निकलता है मतलब फटा हुआ दूध निकलता है तो वो क्यों होता है क्योंकि बच्चे के स्टमक में रेनिन एंजाइम होता है रेनिन एंजाइम कैल्शियम के साथ मिलके मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है मतलब मिल्क प्रोटीन केसिन को थोड़ा सा कोएगुलेट कर देता है द कोएगुलेटेड मिल्क प्रोटीन इज फर्दर डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ पेप्सिन तो अब यही आगे जो प्रोटीन है ये जो कर्ड है अब इसको भी इन्फेंट्स के अंदर जो पेप्सिन एंजाइम बना है ये पेप्सिन एंजाइम क्या करेगा ये इसको सिंपल प्रोटीन में

तो वो खाना एक लिक्विड जैसा बन जाता है इट बिकम अंदर मसाला पीसते हो तो मसाला कैसे एकदम चिपचिपा एकदम लिक्विड जैसा हो जाता है तो वैसे ही जब हमारे स्टमक के अंदर पूरा डाइजेशन हो जाता है तो वो खाना एकदम लिक्विड पेस्ट जैसा बन जाता है उस लिक्विड पेस्ट को हम बोलते हैं काइम उस लिक्विड पेस्ट को हम क्या बोलते हैं बेटा काइम बोलते हैं अब ये काइम आपके स्टमक से आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा देखो स्टमक का पार्ट हमने कुछ ऐसा पढ़ा था रुको आ, स्टमक का डायग्राम देखते हैं इधर पे किधर है स्टमक 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 किधर हो स्टमक किधर हो हाँ ये देखो ये अपना स्टमक का डायग्राम है तो स्टमक से जो भी फूड है वो अब आपके डिओडेनम में एंटर करेगा और डिओडेनम की मदद से अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा तो स्टमक के अंदर जो फूड डाइजेशन होता है ये फूड डाइजेशन एकदम लिक्विड जैसा बन जाता है और इस लिक्विड को हम बोलते हैं काइम इस लिक्विड को हम क्या बोलते हैं काइम अब ये काइम अपने डुओडेनम के पास जाएगा किसके पास जाएगा ये काइम अपने डुओडेनम के पास जाएगा सो द काइम फ्रॉम स्टमक इज पुस्ट इन टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू पायरोलिक्स पिंस्टर फॉर फर्दर डाइजेशन ये पायरोलिक्स

देखा क्या क्या होता है सो so, इस तरीके से इस सेशन को दो बार आप रिपीट करके देखो रेनिन एंजाइम का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है कैल्शियम के साथ मिलकर वो मिल्क प्रोटीन ब्रेक डाउन करता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो जब मैं बनाऊ तो आपका डाउट क्लियर कर सकू ये चैप्टर मैं कोशिश करूंगी जल्दी से जल्दी खत्म करने की इस चैप्टर के बाद हमको कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना चाहिए कमेंट सेक्शन में वो करके बनाओ बताओ बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक बटन पे क्लिक कर दे

सब्सक्राइब करो अपना प्यार इसी तरीके से दिखाते रहो मिलते हैं जल्दी थैंक यू स्टेट्यूट सी यू सून